फोटोग्राफी का शौक हर कोई रखता है, या फिर फोटोग्राफर की बात कर लो, ये दो एक्सेसरी जैसे हैं जो हर कोई के काम आ सकता है। तो चलिए दोस्तों इसे खोल के दिखाता हूँ ये कैसे आपके काम आ सकता है, इसे कैसे खरीदना है और क्वालिटी कैसा मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन, मेरी यूट्यूब चैनल द नवीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक कॉफी लेंस मग और एक आपका कार्ड रीडर है। तो सबसे पहले मैं कार्ड रीडर को खोलकर दिखाऊंगा कि क्वालिटी आपको इसके अंदर कैसा मिलता है, इसके अंदर आप कितने कार्ड को रख सकते हैं, यानी कि कार्ड का स्लॉट इसके अंदर आपको कितना मिलता है। तो आप पीछे देख सकते हैं, ये जो मैं अब ब्रांड का लेकर आया हूँ उसका नाम है ग्रिफिन है। ये अलग अलग तरह के ब्रांड में भी आता है, तो ब्रांड मैटर नहीं करता, आप देख लेना क्वालिटी कैसा मिलता है। क्वालिटी की बात करूँ तो आप यहाँ मटेरियल देख सकते हैं, मैं इसे आपको पास से दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मटेरियल में ABS यानी कि ABS प्लास्टिक प्लस PC और TBP, ये यानी कि इसकी जो क्वालिटी है ये तीन चीज से बना हुआ है। वेट 120 ग्राम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। साइज आपका यहाँ पे दिया गया 2 सेंटीमीटर। मॉडल केस यानी मॉडल मैंने बताया, ये अलग अलग तरीके का आता है, बहुत जैसे आप अगर कम कार्ड यूज यानी कि इंस्टॉल करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग आता है, ज़्यादा कार्ड के लिए भी अलग यानी कि बॉक्स मिल जाता है आपको। तो ये होल्डर जो मेरे हाथ में, इसमें कितने कार्ड रख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 TF कार्ड और 8 HD कार्ड और 4 CF कार्ड, यानी कि टोटल ये आपका 24 कार्ड आप इसमें रख सकते हैं। ये कैसे रखेंगे तो ये मैं आपको खोल कर दिखाऊंगा। तो चलिए अब इसे खोल लेता हूँ, क्वालिटी आपको दिखाता हूँ, क्वालिटी आपको कैसा मिलता है। तो मैं इसे खोल लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये है ग्रिफिन का। आप अलग ब्रांड भी ले सकते हैं क्योंकि अलग ब्रांड भी सेम यानी कि मटेरियल का मिलता है। ये एंटी ड्रॉप होता है, एंटी डस्ट होता है और ये साथ में वाटर प्रूफ भी मिल जाता है। क्वालिटी इतनी हैवी होती है कि अगर आपके हाथ से ड्रॉप होता है तो ये टूटता नहीं है, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक ही आपका दोस्त बना रह सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ सिंगल लॉक, यहाँ डबल लॉक का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने अनुसार जो आपको बेहतर लगता है वो आप खरीद सकते हैं। तो मैं इसे खोलता हूँ, इसे खोलने के लिए कुछ नहीं, इसको ऊपर की ओर आपको साइड करना होगा और ये आपका बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मेमोरी स्लॉट दिया गया है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको दिखा दूँ। तो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं यहाँ पे आपको TF कार्ड के लिए ऑप्शन दिया गया है, यानी कि मैंने अभी अभी बताया इसमें 12 TF कार्ड होता है, तो 3, 6, 9, 12 यानी कि ये 12 TF कार्ड है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे HD कार्ड, ये आपका HD कार्ड कितने मिलते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपका जो CF कार्ड होता है वो 4 होता है, आप देख सकते हैं। क्वालिटी की बात करूँ तो ये आपका रबर यानी कि साइड में रबर है जिसकी वजह से ये वाटर प्रूफ बन ये मिल जाता है आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वाटर, ये आपका रबर है। अंदर की बात करूँ तो ये भी रबर ही है, क्वालिटी काफ़ी हार्ड रबर है, तो अगर आप ड्रॉप भी होता है तो आपकी मेमोरी कार्ड को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा मैं यहाँ पिन यानी कि आपको याद होगा आप मोबाइल से सिम निकालने के लिए पिन का यूज करते हैं, पतले से पिन, वो पिन यहाँ पर आप रख सकते हैं। और ये मैंने अभी अभी बताया ये ABS प्लास्टिक होता है, ABS प्लास्टिक काफ़ी हैवी माना जाता है यानी कि वो जल्दी आसानी से टूटता नहीं है, तो ये ड्रॉप होगी तो भी नहीं टूटेगा। तो इसे मैं काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ, एक मेरे पास रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कार्ड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये इसे यहाँ रख देता हूँ और जो मैं यूज कर रहा हूँ उसे मैं यहाँ ले आता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे हाथ में, अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ इसमें कार्ड कैसे इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इसमें कार्ड को मैंने रखा हुआ है, अब इसे यहाँ से निकालता हूँ। इसको निकालने के लिए इस तरह से आपको स्लाइड करके यानी कि ऊपर की ओर आप देख रहे हैं निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं कार्ड निकाल लेता हूँ। यहाँ मैंने बताया था कि एक आपके मोबाइल से जो सिम निकालते हैं उसके पिन के लिए यानी कि मेमोरी कार्ड चाहे सिम के पिन के लिए आज के डेट में जो यूज होता है वो भी इसमें आप रख सकते हैं। अभी मैं इसे कैसे रखना है वो आपको दिखाता हूँ। इसे रखने के लिए आपको इस तरह से कर पुश कर देना है धीरे से, यानी कि आपको ये सारे मेमोरी कार्ड को आपस में इस तरह से आपको रखना है। तो ये आपको ऑप्शन दिया गया है, आप अपने अनुसार यानी कि जिस ऑप्शन यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है कि आपको किस तरह से रखना है। तो इस मेमोरी कार्ड को बिल्कुल उसी तरीके से रखना है जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ इस तरह से बना हुआ है, मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे पुश कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इसके अंदर मेमोरी कार्ड को
स्टॉल यानी कि आपको पोजीशन के अनुसार इसके अंदर घुसाकर रखकर इसे बंद कर देना है। इसके बाद ये गिरता है, टूटता है, ये कुछ भी नहीं, आपके मेमोरी कार्ड को बिल्कुल भी बाहर नहीं आने देगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ मिलता है मार्केट में। प्राइस की बात करूँ तो ये मार्केट में आपको 200 रुपये से लेकर करीबन 500 रुपये तक में आता है। तो आप अलग अलग ब्रांड अलग अलग प्राइस होती है। ग्रिफिन की बात करूँ तो ये करीबन आपको 350 से 400 रुपये में बिकता है। तो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉफ़ी मग का। ये लेंस कॉफ़ी मग, तो ये इसे भी मैं पहले खोल के दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी आपको कैसा मिलता है। तो आप यहाँ हाथ में देख सकते हैं, ये कॉफ़ी मग है। अगर इसके मटेरियल की बात करो तो ये भी ABS प्लास्टिक का है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये काफ़ी हद तक आपको ओरिजिनल दिखने में लगता है, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल, अगर आप दूर से देखते हैं तो कोई भी धोखा खा जाए उसे लगेगा कि ये ओरिजिनल मग है, लेंस है, और पास से देखने पर ही आपका मग लगेगा। तो आप इस कॉफ़ी मग पे आप ये पैटर्न जो देख रहे हैं ये रबर का बना होता है, जिसकी वजह से आपके हाथ में ग्रिप बहुत अच्छा बनता है, आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप इसे हाथ में लेंगे। ये काफ़ी हद तक ओरिजिनल दिखता है, आप अगर दूर से ही अगर इसे देखेंगे तो आप धोखा भी खा सकते हैं। अगर क्वालिटी की बात करूँ, मैंने अभी भी बताई ये ABS प्लास्टिक होती है इसकी क्वालिटी, और ये ऊपर से आप इसके अंदर देख सकते हैं ये स्टील है, स्टील का बना हुआ है, जिसमें आपको काफ़ी देर तक आप अगर कॉफ़ी या टी को रखते हैं तो वो हॉट रहता है। ये 350 ml का इसके अंदर का स्पेस है, यानी कि 350 ml इसमें आप किसी भी तरह का लिक्विड को रख सकते हैं आप। तो अगर ऊपर की बात करूँ तो इसकी कैप आप देख सकते हैं, कैप की क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है। इस कैप को आपको लगाकर इस तरह से इसे राउंड शेप में यानी कि क्लॉकवाइज घुमा देना है, ये आपका पैक हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपका जो ईयर होता है वो टाइट हो जाता है और आपकी कॉफ़ी को काफ़ी देर तक गर्म रखता है। ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैप भी मिलता है, इस कैप को आपको स्लाइड करना होगा, स्लाइड करने के बाद यहाँ एक कुछ स्पेस सब बनता है, जिसकी वजह से आप यहाँ से आप ड्रिंक भी कर सकते हो, यानी कि आपको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसे हल्की सी स्लाइड करना है, उसके बाद आप यहाँ से ड्रिंक का मजा ले सकते हो। ये बहुत अच्छा क्वालिटी में है। प्राइस की बात करो तो ये आपको 250 रुपये से लेकर 500 रुपये में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ऑनलाइन आपको 280 से लेकर 350 रुपये में ये मिल जाता है। तो ये क्वालिटी बहुत अच्छा आता है, आप इसे ले सकते हैं, ये आपकी हर ज़रूरत है, यानी कि अगर घर में आप जनरल कॉफ़ी भी लेते हैं तब भी ये आपका काम आ सकता है। और लुक मैंने दिखा दिया, ये लुक काफ़ी अच्छा होता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी हर वीडियो में एक नया प्रोडक्ट लाकर उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक दे सकूँ। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल द नवीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जाए तो सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन है उसे जरूर दबाइए। थैंक यू।